So in the last lecture, our complete one family, right? Leguminous हो गई थी, जिसमें हमने थ्री सब फैमिलीज पढ़े, पैपिलिनेसी, कैसलपिनी और माइमोसी. ओके, नाउ आई स्टार्ट एस्ट्रेसी, सॉरी पालमी. ओके, नेक्स्ट फैमिली जो है हमारी वो पालमी. अच्छा, ये जर्नल में फर्स्ट लीफ लास्ट में दिया हुआ है पानी. तो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ एस्ट्रेसी, फर्स्टली हम लोग एस्ट्रेसी देखते हैं, लास्ट में देखेंगे पालमी. सो क्लासिफिकेशन, डिविजन स्पर्माटोफाइटा मीन्स अ सीड बियरिंग प्लांट्स, क्लास डाइकोटिलीडोनी, रेटिकुलेट वेनेशन, इन लीव्स, टेट्रा पेंटामेरस, सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स. यहाँ पे जो फ्लावर्स होंगे वो टेट्रामेरस होंगे और पेंटामेरस सिमेट्री ऑफ फ्लावर. देन सब क्लास गैमोपेटली, गैमोपेटली मीन्स पेटल्स आर यूनाइटेड, स्टेमिन इपीपेटलस. देन सीरीज इन्फेरी, फ्लावर इपीगाइनस और ओवरी जो है वहाँ पे इन्फेरियर ओवरी होंगी. ओके, ओवरी इन्फेरियर मीन्स व्हेन ओवरी लाइज बिलो द अटैचमेंट ऑफ द फ्लोरल पार्ट, इट इज अ इन्फेरियर ओवरी. ओके, वहाँ पे जो ओवरी है वो कहाँ पे होंगी, लाइज बिलो द अटैचमेंट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, इट इज कॉल्ड एज अ इन्फेरियर ओवरी. देन ऑर्डर इज अ एस्ट्रल्स, इनफ्लोरेसेंस, कैपिटुलम और अ हेड. देन फैमिली एस्ट्रेसी कंपोस्टी. जीनस जो है वो ट्रेडिक्स प्रोक्रम्बंस, जो वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, ये वीड्स है एक्चुअल में. सो वाइट कलर के फ्लावर मैंने आप लोगों को फोटोज भी दिखाई हूँ एस्ट्रेसी के, राइट. सो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, फर्स्ट इज अ हैबिट, अ स्मॉल प्रोकुम्बन पेरिनल हर्ब, पेरिनियल हर्ब है ये. देन लीव्स सिंपल, अल्टरनेट, एक्सटिप्यूलेट मीन्स स्टिप्यूल इज एबसेंट. ओके, स्टिप्यूल्स एबसेंट होता है इसके अंदर. सिंपल है लीव्स, अल्टरनेट है, एक्सटिप्यूलेट, इलेप्टिकल विथ अ इंसाइस्ड मार्जिन, वेनेशन, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन यहाँ पे. देन नेक्स्ट इज अ इनफ्लोरेसेंस. इनफ्लोरेसेंस जो है लॉन्ग पिडंकल होता है, सॉलिटरी कैपिटुलम. फ्लोरेट्स, सो टू टाइप्स ऑफ फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट ऑन द इनफ्लोरेसेंस, नेमली रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट. यहाँ पे दो टाइप्स, एस्ट्रेसी के फैमिली में दो टाइप्स होते हैं फ्लोरेट्स के. फर्स्ट इज अ रे फ्लोरेट एंड अ डिस्क फ्लोरेट. ओके, टू टाइप ऑफ फ्लोरेट आर प्रेजेंट ऑन द इनफ्लोरेसेंस, नेमली रे फ्लोरेट एंड अ डिस्क फ्लोरेट. इपीगाइनस, ब्रैक्टिएट, इट इज इपीगाइनस है. देन ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट मीन्स रिड्यूस लीफ एट द बेस ऑफ द पिडंगल. देन इनवोलकर ब्रैक, फाइव इन नंबर एंड अपियर लाइक अ कैलिक्स कप. अपियर कैसे होगा वहाँ पे, लाइक अ कैलिक्स कप. देन रे फ्लोरेट आर अ फीमेल फ्लावर विथ, वाइल अ डिस्क फ्लोरेट आर अ बाइसेक्चुअल. रे फ्लोरेट्स क्या है, फीमेल फ्लावर होता है उसमें, इज अ फीमेल फ्लावर. रे फ्लोरेट इज अ फीमेल फ्लावर with violet disc floret are a bisexual. Disc floret jo honga wo bisexual honga.
फर्स्टली हम लोग रे फ्लोरेट देखेंगे, देन डिस्क फ्लोरेट. सो रे फ्लोरेट इज अ जाइगोमॉर्फिक. ओके, जाइगोमॉर्फिक है मीन्स यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री होंगी, यूनिसेक्सुअल है, यहाँ पे फीमेल प्रेजेंट होता है ना, सो यूनिसेक्सुअल सिचुएटेड टूवर्ड्स पेरीफेरी ऑफ अ कैपिटुलम, इनकम्प्लीट और अ इपिगाइनस. इट इज इनकम्प्लीट, ओके, और अ इपिगाइनस टाइप है. देन कैलिक्स सेपल्स मॉडिफाइड इनटू अ पैपस कैलिक्स. यहाँ पे जो सेपल्स होंगे वो मॉडिफाइड होते हैं, रे फ्लोरेट में सेपल्स मॉडिफाइड होते हैं इनटू अ पैपस कैलिक्स. मीन्स मॉडिफाइड कैलिक्स द पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्लोरेट दैट सराउंडेड द बेस ऑफ द करोला ट्यूब इन अ फ्लावर हेड और अ प्लांट फैमिली एस्ट्रेसी. ओके, फैमिली एस्ट्रेसी फैमिली में पैपस कैलिक्स हमको दिखाई देता है. मीन्स वहाँ पे जो सेपल्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं कैलिक्स में, पैपस कैलिक्स में. देन करोला पेटल्स फाइन यूनाइटेड टू फॉर्म अ स्ट्रैप शेप और अ लिग्यूलेट करोला. यहाँ पे जो पेटल्स होंगे वो फॉर्म कैसे होते हैं, स्ट्रैप शेप में होते हैं. और अ लिग्यूलेट करोला मीन्स गैमोपेटलस होगा. लिग्यूलेट करोला इज अ इरेगुलर टाइप ऑफ करोला. ओके, लिग्यूलेट करोला कौन सा होगा, इरेगुलर टाइप ऑफ करोला. देन एंड्रोशियम इज एबसेंट इन रे फ्लोरेट. यहाँ पे एंड्रोशियम एबसेंट है इसमें, रे फ्लोरेट में. देन गाइनेशियम बाइकार्पिलरी सीन कार्पस ओवरी इंफेरियर वन सेल सिंगल ओव्यूल ऑन अ बेस प्लासेंटेशन स्टाइल सिंगल स्टिग्मा बाइफिड. स्टिग्मा बाइफिड होता है यहाँ पे गाइनेशियम के अंदर. स्टिग्मा इज अ बाइफिड मीन्स डिवाइडेड इनटू टू इक्वल लोब और अ पार्ट. ओके, यहाँ डायग्राम में देख, डायग्राम के अंदर स्टिग्मा जो है वो बाइफिड है. वहाँ पे दो लोब में वो डिवाइड हुआ है, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल लोब और अ पार्ट. ओके, समझ में आया व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाइफिड स्टिग्मा. यस मैम. तो बाइफिड मीन्स वहाँ पे स्टिग्मा जो होता है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. देन ये रे फ्लोरेट हुआ. नेक्स्ट इज अ डिस्क फ्लोरेट सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द इनफ्लोरेसेंस एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्चुअल फर्टाइल इपिगाइनस सेंट्रिपिटल अरेंजमेंट. यहाँ पे सेंट्रिपिटल अरेंजमेंट होती है मीन्स व्हेन द यंगर मेटाजाइलम वेसल आर फाउंड टूवर्ड्स द पीथ एंड द ओल्डर प्रोटोजाइलम वेसल आर अवे फ्रॉम द पीथ. इट्स कॉल्ड इज अ सेंट्रिपिटल अरेंजमेंट होती है यहाँ पे. देन कैलिक्स सेपल्स मॉडिफाइड इन टू अ पैपस कैलिक्स. यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर सेम होता है. कैलिक्स मीन्स सेपल्स जो है वो मॉडिफाइड होते हैं पैपस कैलिक्स में. देन करोला जो है वो फाइव होंगे, सेम है जैसे सेपल्स मॉडिफाइड फाइव है. देन गैमोपेटलस करोला इज अ गैमोपेटलस ट्यूब्यूलर. ओके, एंड्रोशियम स्टेमेन फाइव. रे फ्लोरेट में एंड्रोशियम एब्सेंट होता है, याद रखो ये बात. रे फ्लोरेट में एंड्रोशियम एब्सेंट है. सो यहाँ पे एंड्रोशियम कितने होंगे, देर आर फाइव स्टेमेंस इपिपेटलस और अ सेंजेनेशियस मीन्स यूनाइटेड बाय द एंथर. सिंजेनेशियस का मतलब होता है यूनाइटेड बाय द एंथर मीन्स हैविंग अ स्टैमिन सो यूनाइटेड. ओके, वहां पे जो स्टैमिन है वो यूनाइटेड फॉर्म में होता है, सो इट इज कॉल्ड एज अ सिंजेनेशियस. ओके, एंथर यूनाइटेड बट फिलामेंट्स आर फ्री. एंथर यूनाइटेड होगा बट फिलामेंट क्या है, फ्री है वहां पे. देन नेक्स्ट इज अ गाइनेशियम बाइकार्पिलरी सिन कार्पस ओवरी इंफेरियर. अच्छा, सीन कार्पस मीन्स एनीवन नो व्हाट
What is meaning of syncarpus? Syncarpus means having the carpel united. Okay. Syncarpus means what? Having the carpel united. Syncarpus ovary होती है ना, तो flower, for example, जो tomato का flowers है, उसमें होता है. Syncarpus ovary होती है उसकी. Flower of tomato, mustard, coconut, mango, these are the example of syncarpus ovary. So gynecium में यहाँ पे bicarpillar है, syncarpus ovary, inferior one cell single ovule on a basal placentation, style single stigma, bifid. Okay, and fruit is a cypsela. Cypsela fruit होता है, means a dry single seeded fruit that does not split open during a seed dispersal and is formed from a double ovary in which only one ovule develop into a seed. Okay, यहाँ पे जो है डबल ओवरी फॉर्म होती है, पर जो फ्रूट सीड होगा वो सिंगल ओव्यूल से डेवलप होता है. सो इट इज कॉल्ड एज अ सिप्सेला. देन प्लांट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्राइसेंथेमम इंडिकम पढ़ो. नेक्स्ट इज अमेरेंथेसी. एस्ट्रेसी की फैमिली समझ में आई सबको? यस मैम. तो क्लासिफिकेशन देखो एमरेंथेसी में, डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, क्लास डाइकोटिलीडोनी, सब क्लास ओपेटल्स मीन्स फ्लावर ऑफन यूनिसेक्सुअल विथ और विदाउट पेरियंथ विथ ओनली वन होल यूजुअली करोला इज एब्सेंट. सो पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ मीन्स वेर सेपल्स एंड पेटल्स आर फ्यूज, देन इट इज नोन एज अ पेरियंथ. यहाँ पे सेपल्स और जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, तो हम उसको वहाँ पे पेरियंथ बोलेंगे, मीन स्टेपल्स. तो यहाँ पे सब क्लास क्या है? अपेटली फ्लावर्स ऑफन यूनिसेक्चुअल विद और विदाउट पेरियंथ विद ओनली वन होल यूजुअली अ करोला इज एब्सेंट. देन सीरीज करवेम्ब्री. ओके, करवेम्ब्री इज अ सीरीज. देन फ्लावर रेगुलर ओवरी सुपेरियर. यहाँ पे सुपेरियर है, एस्ट्रेसी में हमने इंफेरियर देखे थे. मोनोकार्पिलरी विथ वन ओव्यूल. फैमिली अमेरेंथेसी. देन जीनस गॉम्फ्रेना एंड स्पेसीज इज अ ग्लोबोसा. डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर. हैबिट इज अ स्मॉल हर्ब. लीव्स इज अ सिंपल अपोजिट एक्सटिप्यूलेट और अ ससाइल. ससाइल मीन्स having a no stalk growing directly from a stem. okay, जहाँ वो जो leaves होंगे वो directly grow होते from the stem, so it is called as a sessile. having a no stalk, stalk is absent, so it is called as a sessile. okay, then inflorescence globose sign. inflorescence क्या होता है? it with the flowers. ओके, सो इन्फ्लोरेसेंस इज अ ग्लोबोस साइम मीन्स अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ स्टॉक इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्चुअल प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई ब्रैक एंड ब्रैक्टियोल्स एंड हाइपोगाइनस. ओके, हाइपोगाइनस होता है फ्लावर मीन्स प्लांट और अ फ्लावर हैविंग द स्टेमेन एंड अदर फ्लोरल पार्ट सिचुएटेड बिलो द कार्पेल इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनस. देन पेरियंथ, यहाँ पे पेरियान प्रेजेंट होता है मीन्स पेटल्स और सेपल्स जो होंगे वो फ्यूज होंगे. हम वहाँ पे पेटल्स और सेपल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, सो इट इज कॉल्ड एज पेरियान. सो पेटल्स फाइव इन अ सिंगल होल ड्राई ब्राइटली कलर्ड. ब्राइटली कलर्ड होते हैं अमेरेंथेसी फैमिली में. देन एंड्रोशियम स्टेमिन सिक्स यूनाइटेड टू फॉर्म अ स्टेमिनल ट्यूब. ठीक है, स्टेमिन जो है वो सिक्स है, यूनाइटेड फॉर्म में होते हैं, स्टेमिनल ट्यूब प्रेजेंट होती है उसमें. गाइनेशियम बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस वन सेल ओवरी सुपीरियर, स्टाइल सिलेंडर स्टिग्मा बाइफिड. स्टिग्मा बाइफिड मीन्स अभी मैंने पिछले वाले फैमिली में एक्सप्लेन किया. एस्ट्रेसी फैमिली में
सिग्मा जो है बाइफिड होता है। बाइफिड मीन्स डिवाइडेड इनटू अ इक्वल टू लोब। इसमें भी जो स्टिग्मा है वो टू लोब्स में डिवाइड होता है, देन फ्रूट कैप्स्यूल और अ बेरिंग। ओके, देन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट फैमिली और लास्ट फैमिली इज द पाल्मी। एमरेंथेसी फैमिली समझ में आई? कोई डाउट्स? क्लासिफिकेशन ऑफ पाल्मी, डिविजन स्पर्माटोफाइटा, क्लास इज अ मोनोकॉटिलीडॉन। यहाँ पे सिंगल कॉटिलीडॉन प्रेजेंट होता है। ओके, पाल्मी फैमिली में मीन्स जो कोकोनट की फैमिली है ना, कोकस नोसीफेरा, देन सीरीज कैल्सिनी, अनब्रांच ट्री विद अ पाल्मेट और अ पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। जो कोकोनट के लीव्स देखे होंगे आप लोगों ने, कैसे होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं। ओके, तो अनब्रांच ट्री है, ब्रांचेस होते हैं क्या उसमें कोकोनट के प्लांट में? नो। तो यहाँ पे अनब्रांच ट्री है विद अ पाल्मेट और अ पिन्नेटली कंपाउंड लीव, इनफ्लोरेसेंस कंपाउंड, स्पैडिक्स, फ्लावर साइक्लिक, हाइपोगाइनस, थ्री कार्पल्स, देन फैमिली इज अ पाल्मी, जीनस कोकस एंड स्पेसिस इज अ न्यूसीफेरा। ओके, देन उसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स है, हैबिट इज अनब्रांच इरेक्ट ट्री होता है, लीव्स बाय पिन्नेटली कंपाउंड है ना, पिन्नेटली कंपाउंड होता है, फॉर्मिंग अ क्राउन एट द अपेक्स, पेक्योल लॉन्ग शीथिंग लीव बेस, लोअर लीफलेट में बी स्मॉलर एंड मॉडिफाइड इनटू अ स्पाइंस। जो मॉडिफाइड किसमें होते हैं वो स्पाइंस में, लोअर लीफलेट में बी स्मॉलर एंड मॉडिफाइड इनटू अ स्पाइंस, देन इनफ्लोरेसेंस कंपाउंड स्पैडिक्स एनक्लोज इन अ इनटू अ बोट शेप स्पार्क्स। ओके, देन यहाँ पे मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर फ्लावर जो होगा रेगुलर होता है, एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स रेडियल सिमेट्री होंगे, यहाँ पे ससाइल है, डायरेक्टली अटैच होते हैं लीफ स्टॉक से, वहाँ पे स्टॉक जो होंगी वो एबसेंट होती है। ओके, देन डायोशियस, डायोशियस मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज इन सेपरेट इंडिविजुअल, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे सेपरेट होता है, इंडिविजुअल होता है, और हाइपोगाइनस फ्लावर। देन पेरियान इन टू होल ऑफ थ्री मेंबर ईच, लेदरी एंड ग्रीनिश इन कलर। टू होल मीन्स यहाँ पे सेट ऑफ फ्लावर्स होंगे, मीन्स टू होल में तीन थ्री मेंबर्स होते हैं, टू होल ऑफ थ्री मेंबर ईच लेदरी एंड ग्रीनिश इन कलर, मे बी सेपरेट और अ स्लाइटली कोनेट। देन एंड्रोशियम इज अ सिक्स इन टू होल, होल इज अ सेट ऑफ फ्लावर्स। ओके, तो यहाँ पे स्टेमिन कितने हैं? सिक्स है, बट दो सेट्स होंगे यहाँ पे, थ्री इन ईच, स्टेमिन इज सिक्स इन टू होल ऑफ थ्री ईच, अदर इज अ टू सेल। देन गाइनेशियम एबसेंट इन अ मेल फ्लावर और अ रूडिमेंट्री, मीन्स यहाँ पे जो गाइनेशियम होता है मेल फ्लावर में एबसेंट होता है गाइनेशियम, और अ रूडिमेंट्री मीन्स इमैच्योर होता है, और वी कैन से द अनडेवलप्ड। ओके, देन नेक्स्ट इज अ फीमेल फ्लावर, फ्लावर वन और अ फ्यू फ्लावर डेवलप एट द बेस ऑफ द ब्रांच ऑन विच अ नंबर ऑफ मेल फ्लावर डेवलप, द फ्लावर इज सपोर्टेड बाय अ ब्रांचेस। ओके, देन पेरियान सेम एज इन अ मेल फ्लावर, जैसे मेल फ्लावर में होता है वैसे ही यहाँ पे फीमेल फ्लावर में भी सेम होगा, इन टू होल ऑफ अ थ्री मेंबर ईच लेदर यानी ग्रीनिश इन कलर, में भी सेपरेट और अ स्लाइटली कॉनेट। ओके, देन एंड्रोशियम एबसेंट, हमने फीमेल मेल फ्लावर में क्या देखे, गाइनेशियम एबसेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फीमेल फ्लावर में एंड्रोशियम एबसेंट होता है। समझ में आया, मेल में गाइनेशियम एबसेंट है और फीमेल में एंड्रोशियम एबसेंट है। देन गाइनेशियम ट्राई कार्पिलरी सीन कार्पस सुपीरियर देन थ्री सेल, बट ओनली वन कार्पेल डेवलप इन टू अ फ्रूट, फ्रूट अ फाइब्रस ड्रोप एंड सीड इज अ टेस्टा, ब्राउन एंड एंडोस्पर्म, वाइट ट्रांसपेरेंट लिक्विड व्हेन फ्रूट इज यंग कोकोनट मिल्क। ओके, तो यहाँ पे पाल्मी फैमिली भी कंप्लीट हुई है, उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, कोकस नूसीफेरा एंड ऑल।
आप लोगों पढ़ो। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? फैमिलीज कंप्लीट हुए हमारे?